नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके पीएससी के द्वारा आज एक नई भर्ती यहां पे जारी की गई है और ये भर्ती है कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में। टोटल 645 पदों पर यूके पीएससी के माध्यम से ये भर्ती जारी की गई है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल है, योग्यता क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से पद हैं इसमें, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 अक्टूबर 2023। आज ही विज्ञापन जारी हुआ है और आज ही आप ऑनलाइन आवेदन आज से कर सकते हैं। कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में ये भर्ती जारी हुई है और अंतिम तिथि है जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, वो है 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर पाओगे। कुल पद कितने हैं? 645 पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। अब ये जो विभाग है इसमें अलग अलग पद हैं, सहायक कृषि अधिकारी के पद हैं, पशुपालन विभाग में ये पद हैं, तो एक एक करके हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे और प्रत्येक पद की क्या क्या यहाँ पे योग्यता होने वाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रिक्तियों का विवरण, कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग हेतु 645 रिक्त पदों पर भर्ती जारी की है यूकेपीएससी ने। इसमें जो पहला पद है वो है सहायक कृषि अधिकारी। सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग में ये पद है और इसमें टोटल 354 पद है। सहायक कृषि अधिकारी कितने पद है? टोटल 354 पद हैं। इसकी योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहले वेतनमान देख लीजिए, 25,500 से लेकर 81,000। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है सहायक कृषि अधिकारी के लिए, जो 354 पद है जो टोटल, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें जो अनिवार्य योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक, यानी एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कृषि में आपका स्नातक होना चाहिए, तभी आप सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए, जो ये 354 पद है इसके लिए अप्लाई करेंगे। अभी अन्य पद भी हैं तो उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। अधिमानी अर्हता क्या है? तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी में आपका बी या सी प्रमाण पत्र हो। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो अनिवार्य रूप से शैक्षिक अर्हता चाहिए वो चाहिए कृषि में स्नातक। आयु सीमा देखो, 21 वर्ष से 43 वर्ष, तो इसमें 21 से 43 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। दूसरा पद है यहाँ पे उद्यान पर्यवेक्षक। इसमें टोटल 245 पदों की संख्या। पदों का विवरण श्रेणी वाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इन 245 पदों के लिए जो वेतनमान है वो वही है 25,500 लेकर 81,000। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो इसमें थोड़ा बदलाव है। इसमें चाहिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए जीव विज्ञान में, यानी जियोलॉजी में, या बीएससी चाहिए आपका एग्रीकल्चर में कृषि में, या बीएससी चाहिए आपका उद्यान में। तो जीव विज्ञान में, कृषि में या उद्यान में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है इसमें भी। और आयु सीमा इसमें क्या है? 21 वर्ष से 43 वर्ष आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो बीएससी चाहिए आपका जीव विज्ञान में, कृषि में या उद्यान में। और इसमें कितने पद हैं? इसमें 245 पद। उसके बाद यहाँ पे उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 उद्यान विभाग में पदों की संख्या इसमें 27 है। कुल पद इसमें 27 हैं और इसमें वेतनमान है 29,200 से लेकर 92,300 तक। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो है बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि। तो इसमें भी स्नातक मांगा गया है, बीएससी मांगा गया है जीव विज्ञान में और कृषि में। अधिमानी अर्हता तो वही है इसमें भी। आयु इसमें भी 21 वर्ष से 43 वर्ष मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे सहायक मशरूम विकास अधिकारी के जो पद हैं इसमें टोटल 3 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान वही है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दे सकते हैं आप। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि, तो जीव विज्ञान समूह से बीएससी या आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और इसमें भी एज लिमिट वही है 21 से 43। उसके बाद है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2, कुल 3 पद हैं इसमें। और इसमें अगर हम बात करें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो इसमें भी बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी एग्रीकल्चर, यानी ग्रेजुएशन मांग गया है जीव विज्ञान से और एग्रीकल्चर से, कृषि से। उसके बाद पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, टोटल इसमें 3 पद हैं और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो बीएससी कृषि है और बीएससी जीव विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे 2 पद हैं इसमें, पदनाम सहायक पांच सुरक्षा अधिकारी। तो इसमें भी लगभग अनिवार्य शैक्षिक अर्हता सेम है इसमें भी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य पद है मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, बाकी सब में लगभग सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा बदलाव दिख रहा है चारा सहायक। तो इसमें जो एक तो इस हाँ देखो चारा सहायक के जो पद हैं उसके लिए चाहिए एमएससी कृषि एग्रीकल्चर में,
पीजी चाहिए आपका एमएससी चाहिए और फॉर्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि भी होना जरूरी है। उसके बाद है चारा सहायक ग्रुप 3, 5 है पदों की संख्या और इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है, बीएससी कृषि है। तो यहाँ पे जितने भी ये टोटल पद थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और सभी पदों की मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो टोटल 645 पद थे तो सभी का मैंने बता दिया आपको कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और सभी की आयु लिमिट सेम है, लगभग 21 वर्ष से अधिकतम 43 वर्ष। अब देखो आयु गणना की निश्चायक तिथि क्या है, तो 26 जुलाई, यहाँ पे देखो 1 जुलाई 2023 आयु गणना की जो निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को आपकी न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए, अधिकतम आयु 43 वर्ष होनी चाहिए। इस बीच जिसकी आयु है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, कृषि उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग में जो 645 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा यानी बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का, 100 अंकों का एग्जाम होगा, अधिकतम इसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का एग्जाम होगा 2 घंटे का। तो जो 100 अंकों का आपका पेपर है वो जनरल पेपर, इसमें हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन ये सभी प्रश्न होंगे 100 प्रश्नों में 100 नंबर के। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर है और ये वैकल्पिक है क्योंकि इसमें अलग अलग आपने देखे होंगे अलग अलग पद हैं और उनकी अलग अलग योग्यता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो कृषि विषय इसमें है, आप कृषि विषय ले सकते हैं, विषय कोड 92, जीव विज्ञान विषय कोड इसका विषय कोड 93 है, ठीक है, और उद्यान इसका विषय कोड है 94। तो वो आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपके पास विकल्प आ जाएंगे, तो आप कृषि जीव विज्ञान या उद्यान विज्ञान, उद्यान जो ये विषय है ये वैकल्पिक विषय है, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और 200 प्रश्न बनेंगे, 200 में से 200 नंबर के बनेंगे 200 प्रश्न और 3 घंटे का ये होगा। तो टोटल यहाँ पे ये 300 अंक का ये पेपर होने वाला है और वैसे ये पेपर शायद अलग अलग होंगे, दो घंटे का पहले ये होगा और फिर अगला पेपर होगा प्रश्न पत्र 2, 3 घंटे का, तो टोटल 5 घंटे का पेपर है, अलग अलग होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 घंटे आपको एक ही साथ बिठाया जाएगा, पहले आपका प्रश्न पत्र 1 हो सकता है फिर 2 हो सकता है, वो तो खैर बात की बात है जब एग्जाम होगा, लेकिन इस प्रकार से ये एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 2 में दिए गए विषयों यथा कृषि जीव विज्ञान एवं उद्यान में से धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, जो वहां पे शैक्षिक अर्हता दे रखी है उसके आधार पर आपको क्या करना है, किसी एक विषय का चयन करना है, जैसे जिसमें केवल एग्रीकल्चर मांगा गया है और अगर आपने एग्रीकल्चर जिसमें एग्रीकल्चर स्नातक मांगा गया है, तो अगर आपने एग्रीकल्चर से स्नातक कर रखा है तो आपको वहां पे एग्रीकल्चर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें जीव विज्ञान मांगा गया है उसमें उद्यान मांगा गया है, तो इस प्रकार से उसके आधार पर आपको यहाँ पे विकल्प जो वैकल्पिक विषय है उस विकल्प को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया गया है, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का सिलेबस है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 80 नंबर का पूछा जाएगा और 20 नंबर का यहाँ पे हिंदी होगा, फिर यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर की यहाँ पे हिंदी है, हिंदी बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है, स्वर व्यंजन है, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम, तो सामान्य हिंदी यहाँ पे 20 नंबर की और सामान्य अध्ययन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूकेपीएससी की वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये वैकल्पिक विषय के सिलेबस है, एग्रीकल्चर का सिलेबस है यहाँ पे और इसमें एग्रीकल्चर के अगर हम देखें तो इसमें लगभग 5 यूनिट दी गई है एग्रीकल्चर में और बहुत बड़ा सिलेबस है ये एग्रीकल्चर का। उसके बाद ये बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में आपका बॉटनी भी आ गया और इसमें आपका जूलॉजी भी आ गया, ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेबस है बायोलॉजी का। और उसके बाद यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग का ये उद्यान जो विषय है हॉर्टिकल्चर उसका ये सिलेबस है। तो कंप्लीट सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, योग्यता क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आयु लिमिट क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। बाकी दोस्तों आपके अगर कोई भी अन्य सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मैंने आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बता दी है और पदों की संख्या इसमें काफ़ी है, 645 से रिक्त पद इसमें, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपनी योग्यता के आधार पर
आप यहाँ पे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्टों की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।